यहाँ पर बन सकता है कंपाउंड की तरफ, ये इसका यूजुअल ड्रॉप है। इसी ड्रॉप पर आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं वर्ल्ड लीग के अंदर, यहाँ पर डोमिनेशन को देखने को मिलेगी। मीनवाइल जी कोड को आई थिंक यहाँ पर काफी रिवाइवल मिल जाएगा और टीम स्मोकी इज कमिंग इनटू द पिक्चर, कमिंग इनटू द फ्रेम फॉर द थर्ड पार्टी। हां बट लेट्स सी कि यहाँ पर अब जो एक्शन है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है। देखिए शुरुआत तो अभी काफी अच्छी हो चुकी है, तीन फिनिशेस ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके हैं। आई गेस INGL की लाइनअप को उन्होंने फिनिश ऑफ करा है, बट पिछली बार की तरह बिल्कुल भी इस बार अपना एलिमिनेशन नहीं करवाना चाहेंगे, जस्ट लाइक इनसेन ने वहां पर करा था। और अभी के लिए जितना जल्दी हो सके Z God को फुल रिकवरी करनी पड़ेगी HP, और वही चीज अभी करते हुए नजर भी आ रहे हैं वो। यहाँ पर क्लच गॉड मीनवाइल अपनी यूएमपी के साथ लेवल 3 का हेलमेट है। ओके नाउ दिस इज समथिंग रियली गुड। जोनाथन हायर ग्राउंड पर चढ़ चुके हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे नियो को थोड़ा सा कवर देने की थॉट से ये पूरी पोजीशनिंग जो है वो क्रिएट की गई है। माइक्रो उजी है नियो के पास, तो डेफिनेटली क्लोज रेंज के लिए ये एक अच्छा लीथल वेपन साबित हो सकता है। जी गॉड बार बार आगे जा रहे हैं, डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स को स्पॉट करने का वो प्रयास था, बट अभी तक के लिए कोई भी प्लेयर को यहाँ पर क्लियर विजिबिलिटी में देख नहीं पाया। फाइनली अब यहाँ पर मौका बना था, मौका नियो के पास था बट वो हो चुके डाउन। जोनाथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, डिसाइडर 1v1 की फाइट रहेगी। जोनाथन वर्सेस स्मोकी, अच्छे वेपन है यहाँ पर। जोनाथन के पास क्या ही IQ, वेपन्स की तो बात ही छोड़ दे आप, यहाँ पर IQ का इस्तेमाल किया गया है। हेड टू हेड फाइट ही नहीं लाई, ऑफ गार्ड एंगल से यहाँ पर जाके स्मोकी को पिकअप करा।